दोस्तों अनअकैडमी की तरफ से एनडीए कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही बड़ी ऑफर आ चुकी है। ये ऑफर क्या है, अगर आप 6 मंथ की सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 2 मंथ की सब्सक्रिप्शन आपको फ्री दी जा रही है, साथ ही साथ अगर आप लेते हो 24 मंथ की सब्सक्रिप्शन तो वहां पे आपको जो है 4 मंथ की सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रही है, और आप अगर परचेज करते हो 12 मंथ की सब्सक्रिप्शन तो आपको 12 मंथ की SSB सब्सक्रिप्शन फ्री दी जा रही है। ये जो ऑफर है ये 10 से 30 सितंबर के बीच में ही अवेलेबल है, तो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेने वाले हो तो कभी भी आपको लेना ही है, लेकिन ऐसा ऑफर बार बार आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो जल्दी से जाकर आप ले सकते हो। साथ ही साथ अगर बात करें तो जो एग्जिस्टिंग कैटेगरीज थी वो भी थोड़ी सेपरेट हो गई है, अब कैंडिडेट्स के लिए एनडीए अलग हो चुकी है, एनडीए के कैंडिडेट्स के लिए, और एयरफोर्स, XY, नेवी, कोस्ट गार्ड ये अलग कर दी गई है, तो ये बेटर रहेगा आप लोगों के लिए भी, आपको जो भी तैयारी करनी होगी उस गोल को सिलेक्ट करके और कर सकोगे तैयारी। प्राइस हाइक की बात करें तो एनडीए कैटेगरी में बहुत ही जल्दी प्राइस हाइक होने वाली है। ओके, अब बात करें अगर बैच कोर्सेज की, तो ये विराट जो है ना, विराट नेवी 45 डेज की बैच कोर्स है 2021 के लिए, ये 29 सितंबर से लेकर 10 नवंबर तक चलने वाली है। एडुकेटर्स आपकी स्क्रीन पर है और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे वो भी आपकी स्क्रीन पर है। अब बात करूं दूसरे बैच कोर्स की, तो ये है MNDA। MNDA बैच कोर्स जो है ये प्रैक्टिस सेशन है 2021 के लिए NDA 2 के एग्जाम के लिए, और इसकी स्टार्टिंग हो रही है 29th of September से, इसके लिए भी एडुकेटर्स आपकी स्क्रीन पर हैं। NDA रिजल्ट्स में 1500 प्लस स्टूडेंट्स ने क्लियर करा है रिटन एग्जामिनेशन, कहां से, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। अब सब्सक्रिप्शन लेना कैसे है, सबसे पहले तो आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को ओपन करना होगा, उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके की पेज ओपन हो जाएगी। यहां से एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड का सब्सक्रिप्शन आपको दिखाई पड़ रहा है, जो आपका गोल होगा वही सब्सक्रिप्शन आपको दिखेगा। उसके बाद आपके सामने पूरी ये प्राइसिंग और साथ ही साथ कितने मंथ के लिए है वो आ जाएगी, उसमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद मेरा जो रेफरल कोड है ABStudy10 वो यूज करना, 10% की और डिस्काउंट आपको मिल जाएगी, मतलब ये 333 रुपए पर मंथ है, इस पे भी 10% डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद आप प्रोसीड टू पे कर देना, सब्सक्रिप्शन आपका हो जाएगा। सेम वैसे ही एनडीए के लिए भी करना है, एनडीए में भी आपको प्राइसिंग दिख रही है, ये अलग है एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड से, क्योंकि आपको पता है एनडीए अलग है और एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड अलग है, तो यहां पे भी आपको सेम ABStudy10 कोड यूज करना है और आपको 10% की डिस्काउंट मिल जाएगी। तो जाओ फायदा उठाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, लेट्स क्रैक इट। अब यहां जो एज लिमिट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां पे एज लिमिट जो है मस्ट बी बॉर्न बिटवीन 2 जुलाई 2002 एंड 1 जनवरी 2005, ये बोथ डेट्स इंक्लूड भी की जाएंगे इसमें, तो ये एलिजिबिलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ ये है तो आपके पास जो एजुकेशनल क्रिटेरिया होना चाहिए वो देखो, क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है पास्ड सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 10+2 पैटर्न और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी बोर्ड विद एटलीस्ट 70% एग्रीगेट मार्क्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, PCM एंड एटलीस्ट 50% मार्क्स इन इंग्लिश आइदर इन क्लास 10th और क्लास 12th, यानी कि आपका पास होना 10+2 या उसके इक्विवेलेंट जो भी एग्जाम है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से एटलीस्ट 70% एग्रीगेट में आपका 70% होना चाहिए, और फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स जो आपकी होनी चाहिए एकदम कंपलसरी है, और एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए या 10th क्लास में हो या 12th क्लास में हो, ठीक है। अब उसके नीचे एक और चीज लिखी गई है, हु कैन अप्लाई, यहां पे क्या लिखा गया है, कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड फॉर GMAN 2021 फॉर BE BTech एग्जाम कॉल अप फॉर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी SSB विल बी इशूड ऑन द बेसिस ऑफ GMAN 2021 ऑल इंडिया रैंक एयर जो होता है पब्लिश्ड बाय NTA, यानी कि ये जो है हु कैन अप्लाई, GMAN जिन्होंने दिया होगा 2021 में BE BTech के लिए उन्हीं को इशू किया जाएगा कॉल अप लेटर, ठीक है, और रैंक के अकॉर्डिंग यानी ऑल इंडिया रैंक के अकॉर्डिंग ही उनको इशू किया जाएगा। तो सीधी सी बात ये है कि क्वालिफिकेशन तो आपकी होनी चाहिए, ठीक है, ये वाली जो क्वालिफिकेशन है ये तो होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ ये भी मैंडेटरी है कि आपने GMAN में अच्छा करा हो, दोनों चीजें हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हो। सपोज कि आपके पास 80% एग्रीगेट में है, सब कुछ सही है, लेकिन आपने GMAN का एग्जाम दिया नहीं है, या फिर अगर दिया है तो आपका स्कोर अच्छा नहीं है, रैंक अच्छा नहीं है, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, सिंपल सी बात यही है। तो होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब बात करूं ब्रांच नेम की, तो एजुकेशन ब्रांच है 5 पोस्ट के लिए, एग्जीक्यूटिव एंड टेक्निकल ब्रांच में 30 पोस्ट है टोटल, आप इसके लिए अप्लाई 1 तारीख से कर सकते हो, और नोटिफिकेशन भी चेक कर सकते हो, वो भी डाउनलोड करके देख सकते हो, यहां से भी डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज आप टेलीग्राम से जाकर भी डाउनलोड
कर सकते हो। तो यही बताना था, होप कि आपको समझ में आ गई होगी बात। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन।